आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे नॉन स्टैंडर्ड क्रशिंग वैल्यू टेस्ट ऑफ एग्रीगेट। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने जो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट देखा था वो था स्टैंडर्ड क्रशिंग वैल्यू टेस्ट ऑफ एग्रीगेट, और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे नॉन स्टैंडर्ड क्रशिंग वैल्यू टेस्ट ऑफ एग्रीगेट। स्टैंडर्ड क्रशिंग वैल्यू टेस्ट और नॉन स्टैंडर्ड क्रशिंग वैल्यू टेस्ट में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, आप लोगों को याद होगा कि एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट में हमने जिस एग्रीगेट पर टेस्ट किया था उसकी साइज थी 10 mm से 12.5 mm। ठीक है, अब देखिए कई बार क्या होता है कि हो सकता है जो एग्रीगेट हमारे पास है उसमें 10 mm से 12.5 mm साइज का एग्रीगेट अवेलेबल ही ना हो या उतना नहीं हो जितने में हमारा टेस्ट कंडक्ट हो सके। तो उस केस में या तो हमारे पास 10 mm से छोटी साइज का एग्रीगेट होगा या फिर 12.5 mm से बड़ी साइज का एग्रीगेट होगा। इन दोनों कंडीशंस में जो क्रशिंग वैल्यू टेस्ट किया जाएगा वो आएगा नॉन स्टैंडर्ड क्रशिंग वैल्यू टेस्ट की कैटेगरी में। ठीक है, तो इस नॉन स्टैंडर्ड क्रशिंग वैल्यू टेस्ट को हम दो केसेस में डिस्कस करेंगे। केस वन में हम देखेंगे क्रशिंग वैल्यू टेस्ट ऐसे एग्रीगेट के लिए जिसकी साइज 12.5 mm से ज्यादा हो, और केस टू में हम देखेंगे ऐसे एग्रीगेट के लिए जिसकी साइज 10 mm से कम हो। ठीक है, तो देखिए केस नंबर वन, यानी कि जब हमारे पास एग्रीगेट की साइज है ग्रेटर देन 12.5 mm, इस केस में एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट की क्या प्रोसीजर रहेगी? तो इसके लिए देखिए IS 2386 पार्ट 4 की टेबल नंबर 1 पेज नंबर है 5। इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप ऐसे एग्रीगेट पर टेस्ट कर रहे हो जो 25 mm सीव से पास हो रहा हो लेकिन 20 mm सीव पे रिटेन हो रहा हो, यानी कि ऐसा एग्रीगेट जिसकी साइज 20 mm से 25 mm के बीच हो, तो उस केस में आपको सीव ऑफ सेपरेशन यूज करना है 4.75 mm। और अगर एग्रीगेट की साइज 12.5 mm से 20 mm के बीच हो तो सीव ऑफ सेपरेशन यूज करना है आपको 3.35 mm। अब ये सीव ऑफ सेपरेशन क्या है? तो देखिए, आप लोगों को याद होगा कि स्टैंडर्ड क्रशिंग वैल्यू टेस्ट में हमने एग्रीगेट को कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन से क्रश करने के बाद 2.36 mm सीव से पास कराया था, तो वहां पर यही सीव थी हमारी सीव ऑफ सेपरेशन। मतलब जहां पे हम स्टैंडर्ड क्रशिंग वैल्यू टेस्ट में 2.36 mm साइज की सीव यूज कर रहे थे उसकी जगह पर आपको 20 mm से 25 mm एग्रीगेट के लिए 4.75 mm सीव यूज करना है, और 12.5 mm से 20 mm एग्रीगेट के लिए 3.35 mm सीव यूज करना है। इसके अलावा पूरी टेस्ट प्रोसीजर सेम रहेगी जो हमने स्टैंडर्ड क्रशिंग वैल्यू टेस्ट में डिस्कस की थी। जिन लोगों ने स्टैंडर्ड क्रशिंग वैल्यू टेस्ट वाला वो लेक्चर नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, इस लेक्चर के बाद में आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए केस नंबर टू, यानी कि जब एग्रीगेट की साइज 10 mm से कम हो तो उस केस में टेस्ट प्रोसीजर क्या रहेगी? तो इस केस में भी टेस्ट प्रोसीजर तो वही रहेगी लेकिन कुछ चेंजेस आपको करने होंगे। तो वो कौन कौन से चेंजेस हैं? पहला चेंज तो यही है सीव ऑफ सेपरेशन का, कि अगर एग्रीगेट की साइज 6.3 mm से 10 mm के बीच है तो सीव ऑफ सेपरेशन यूज करना है 1.7 mm। 4.75 mm से 6.3 mm का एग्रीगेट है तो सीव ऑफ सेपरेशन यूज करना है 1.18 mm। 3.35 mm से 4.75 mm का एग्रीगेट है तो सीव ऑफ सेपरेशन यूज करना है 850 microns, और 2.36 mm से 3.35 mm का एग्रीगेट है तो सीव ऑफ सेपरेशन यूज करना है 600 microns। ठीक है, दूसरा देखिए, ये है डायमीटर ऑफ सिलेंडर टू बी यूज्ड, यानी कि किस साइज का सिलेंडर हमें यूज करना है। तो इस केस में यहाँ पे लिखा है 15 cm और 7.5 cm, यानी कि आप 15 cm डाया सिलेंडर भी यूज कर सकते हो और 7.5 cm डाया सिलेंडर भी यूज कर सकते हो, चॉइस आपके हाथ में। अब ये कौन सा सिलेंडर है? तो देखिए, स्टैंडर्ड क्रशिंग वैल्यू टेस्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये एक इस तरह की असेंबली होती है जिसमें बॉटम में होती है बेस प्लेट, उसके ऊपर आता है एक ओपन एंडेड सिलेंडर, सिलेंडर में एग्रीगेट को फिल किया जाता है, उसके ऊपर रखा जाता है प्लंजर। वहां पे मैंने आपको ये भी बताया था कि ये असेंबली 150 mm डाया के लिए भी होती है और 75 mm डाया के लिए भी होती है, और इनकी डायमेंशन के लिए ये एक टेबल भी बताई थी जिसमें 150 mm डाया सिलेंडर के लिए और 75 mm डाया सिलेंडर के लिए बेस प्लेट, सिलेंडर और प्लंजर की डायमेंशन दी हुई है। स्टैंडर्ड क्रशिंग वैल्यू टेस्ट में हमने 150 mm यानी कि 15 cm डाया असेंबली को यूज किया था, लेकिन
यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप 15 सेंटीमीटर यानी कि 150 mm डायल असेंबली को भी यूज कर सकते हो और 7.5 सेंटीमीटर यानी कि 75 mm डायल असेंबली को भी यूज कर सकते हो। तीसरा चेंज करना है आपको मेजरिंग सिलेंडर का। स्टैंडर्ड टेस्ट में हमने जो मेजरिंग सिलेंडर यूज किया था उसका डाया था 11.5 सेंटीमीटर और हाइट थी 18 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे आप जो मेजरिंग सिलेंडर यूज करेंगे उसका डाया होगा 6 सेंटीमीटर और हाइट होगी 9 सेंटीमीटर। फोर्थ है टेम्पिंग रोड। टेम्पिंग रोड जो हमने स्टैंडर्ड क्रशिंग वैल्यू टेस्ट में यूज की थी उसका डाया था 16 mm और लेंथ थी 45 टू 60 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे आपको जो टेम्पिंग रोड यूज करना है उसका डाया होगा 8 mm और लेंथ होगी 30 सेंटीमीटर। फिफ्थ और लास्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट में हमने टोटल लोड अप्लाई किया था 40 टन और ये लोड अप्लाई किया था हमने 10 मिनट में, यानी कि वहां पर रेट ऑफ लोडिंग था 4 टन पर मिनट। अब यहाँ पे आपको टोटल लोड अप्लाई करना है 10 टन और 10 टन लोड अप्लाई करना है यहाँ पे भी आपको 10 मिनट्स में ही, तो यहाँ पर रेट ऑफ लोडिंग रहेगी आपकी 1 टन पर मिनट। यही चेंज है जो आपको करना है 10 mm से छोटी साइज के एग्रीगेट के लिए। इसके अलावा पूरी टेस्ट प्रोसीजर सेम रहेगी जो हमने स्टैंडर्ड क्रशिंग वैल्यू टेस्ट में डिस्कस की थी। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।